नमस्कार। तो इस वक्त हम नवादा के उसी जगह पर मौजूद हैं जहां बीते 18 तारीख को विभत्स घटना घटी थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देशवासियों को झकझोर दिया, जिसने पूरे देशवासियों को परेशान कर दिया और लोग बात करने लगे, चर्चा करने लगे कि क्या ऐसी भी कोई घटना घट सकती है। वो विभत्सतापूर्ण रात थी जिसकी वजह से 150 से अधिक लोग जो हैं वो परेशान रहे, अपने घर को छोड़कर बाहर भटकते रहे, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा उन पर ध्यान दिया गया है। और अब जब मामले के 10 दिन गुजर गए हैं तो ऐसे में हम ये जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि अब यहाँ का जीवन यापन कैसा है। जिन परिवारों का घर जला था उन परिवारों की स्थिति कैसी है, प्रशासनिक और सरकारी किस तरीके की मदद मिल रही है। मेरा नाम है गौरव झा और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो यहाँ के स्थानीय हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम व्यास मुनि हुआ। व्यास जी, क्या क्या हुआ था उस वक्त और अभी क्या हालात है? जिस समय घटना हुई थी उसमें हम यहीं पे थे जी। ये जो घटना के बारे में बात कर रहा हूँ, घटना 18/9/2024 को हुआ था, तो करीब समय 6:30-7:45 के बीच में हुआ था। हम लोग इसी जगह पर प्रॉपर बात ही कर रहे थे, हम और मेरे फ्रेंड गौतम जी और हमारे पास में जो बैठे हैं थे, हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे। हम लोग मार्केट से घूम कर आए हुए थे और बात ही कर रहे थे, लेकिन 10-15 मिनट के अंदर एक सैकड़ों की संख्या में दो तरफ से लगातार गाली गलौज करते हुए आ रहे थे। हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग देखने की कोशिश किया तो सब कच्चे कच्चे बांस लिए हुए, हाथ में हथियार लिए हुए, डेंगाते हुए, चूरते हुए गाली गलौज करते हुए आ रहे थे और फायरिंग भी किया। जब फायरिंग किया तो हमारी इतनी भागदौड़ हो गई और पूरी तरह से जो ना दहशत फैल गया और हम लोग बच्चों को लेकर भागने लगे। अभी तक यहाँ पे 34 परिवार को पूरी तरह से घर को जला नहीं बल्कि घर को जला दिया गया है। अब यहाँ की स्थिति कैसी है? अब यहाँ की स्थिति प्रशासन के द्वारा खान पान जो भी व्यवस्था किया जा रहा है अभी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लोगों के भी घाव भरे नहीं। लोग अभी भी अपने दर्द को फील कर रहे हैं, लोग अभी भी परेशान हैं। अब लोगों की किस तरीके की परेशानी है? अब लोगों की मानसिक स्थिति, कहीं अभी भी उन्हें डर है कि कहीं ना वहां से, कहीं ना हमें यहां से हटा दिया जाए, पता नहीं हमें ना मिले या ना मिले, अभी भी शक है, क्योंकि वो दहशत जो फैला है ना, बड़ा भयानक, बड़ा ही डेंजरस है। कभी इस तरह के जीवन में कभी हम लोग देखे नहीं थे, वो आज हम लोगों के साथ में देखने को मिला। एक तरह से मेरे लिए इतिहास हो जाएगा, जब तक हमारे गांव वाले लोग रहेगा ना, ये मंजर हमेशा याद रहेगा कि मेरे जीवन में घटना आया था, ये जीवन भर हमें पीड़ित रखेगी। आप यहीं के रहने वाले? हम यहीं का प्रॉपर, यहीं स्थानीय का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी चलाता था, वो स्कूल भी जो विद्या के मंदिर कहलाता है ना, उसे भी तोड़ दिया गया। अच्छा, आप स्कूल चलाते थे? यस, यहाँ तो जो हमारे बीच में भी 10-20 बच्चे पढ़ते थे उसके भी कॉपी पेन बुक्स भी नहीं छोड़ा गया, उसे भी पूरी तरह से जला दिया गया। यहाँ की कंडीशन जो है ना, बड़ा बंजर। ठीक है, आपकी अपनी योग्यता क्या है? मेरा नाम व्यास मुनि हुआ जी। और मैं यहीं पर एक मुस्कान अश्रु को मतलब चलाता था और यहाँ का जो देख रेख हम और एक मेरे वृंदर जी का है जी। ठीक है, तो अभी जो मदद मिल रही है, अभी किस तरीके की मदद मिल रही है प्रशासन के द्वारा? अभी प्रशासन के द्वारा अभी तक के खान पान से लेकर अभी तक 1,39,250 रुपये का लोगों को भरपाई दिया गया है। यानी कि अलग अलग परिवार के लोगों को इतने पैसे मुआवजे के तौर पर? मुआवजे के तौर पर, जिसमें 34 परिवार को घर जला है, 34 परिवार को 1,39,250 रुपये पर परिवार को दिया गया है मुआवजे के तौर पर। इसके अलावा अभी तक जिस दिन से घटना हुई उसी दिन से प्रशासन हम लोगों की सुरक्षा में तैनात है, सुरक्षा में खड़े हैं और सुबह शाम खाना दिया जा रहा है। खाने में क्या मिल रहा है? खाने में दाल भात सब्जी सुबह शाम दिया जा रहा है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा भी कुछ मिल रहा है? इसके अलावा अन्य किसी के द्वारा भी जो उनसे बनता है अपना सामाजिक संस्था या फिर लोग मदद करते हैं, जो भी बहुत सारे वैसा दल है, बहुत सारा संस्था है, अपना अपना जो उनसे बन रहा है वो सब दे रहा है। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक महानुभाव, इनसे बात करते हैं। राम स्वरूप मांझी, मांझी जी, क्या अभी क्या लग रहा है? अभी क्या लग रहा है, सरकार से खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, सब कुछ, बेडशीट सब भी मिल रहा है, चादर उधर सब कुछ मिल रहा है, पुलिस का पहरा पड़ी है, पुलिस यहाँ जैसे है ये है, पैसा भी मिला ही है? हाँ, पैसा ही सबको मिल गया, जान भी लिए गया,
अच्छा भी मिल गया। पैसा मिलने का अनुशंसा हुआ है या पैसा मिल गया है? मिल गया। अच्छा मिल गया सबको। ठीक है, 34 परिवार ऐसे थे जिनके साथ ये दिक्कत आई थी, उन सभी को चिन्हित करके उनको पैसे दे दिए थे। कितने पैसे दिए? नहीं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पैसा मिला है। अच्छा, घटना तक इसके अलावा पन्नी भी मिला है जो आप लोग अपने घर के ऊपर में चिपकाए हुए हैं। पन्नी मिला। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ रात को भी सोते होंगे लोग? हाँ। ठीक, लाइट की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है? अच्छा ठीक है, खाना भी खुद से पकाना नहीं है। ठीक, लेकिन एक बात बताइए कि ये सब तो मिल चुका है लेकिन कितने दिन मिलेगा? मन में कभी डर नहीं होता? मन में तो कुछ हमें शक है, क्या कब शक कैसे मिटा जाए मन में? ये भयंकर आग लगा है, कभी भयंकर कुछ है शक। आप लोग क्या चाहते हैं, जिन्होंने आग लगाई है आपकी बस्ती में उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको सजा होना चाहिए। देखिए अपना स्थिति देख लीजिए कैसा है, उनको सजा होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर हम 10 दिनों के बाद इस जगह पर पहुंचे हैं और पहुंचने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कितना बदला है, यहाँ के लोगों को प्रशासन की ओर से कितनी सहायता मिल रही है, इसके अलावा सरकार इनकी क्या क्या मदद कर रही है और ये लोग अभी किस तरीके से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे में आप देखेंगे कि कई सारे घर आपको दिख रहे होंगे और इसके ऊपर में आपको एक पॉलिथिन जिसे स्थानीय भाषा में त्रिपाल का भी नाम दिया जाता है और इसके अलावा अगर और लोकल लैंग्वेज में जाएं तो इसे पन्नी का भी नाम दिया जाता है, तो वो सबके ऊपर में टंगा हुआ है ताकि लोग किसी तरीके से गुजर बसर कर सके। ये तमाम जितने भी घर डैमेज हुए थे वो सभी घरों के ऊपर में ये पॉलिथीन टंगा हुआ है। इसके अलावा देखिए ये तंबूनुमा आकृति है जो कि पीछे की ओर आपको दिख रहा होगा और इसके ठीक नीचे स्थानीय लोग रह रहे हैं जो कि बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर यहाँ अपना समय जो है वो गुजारते हैं। इन स्थानीय लोगों से मेरी बात हो रही थी तो बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि अभी ये लोग काम वाम पे नहीं जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि इनके मन में डर सता रहा है कि अगर ये लोग काम वाम पे जाएंगे तो फिर इनके साथ कोई परेशानी, कोई अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से ये सारे लोग अभी यही इसी जगह पर बैठे हुए हैं और इसी जगह पर बैठ कर अपना समय भी गुजारते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर लेते हैं और इसके अलावा सरकारी मदद जो इन्हें मिल रही है वो मदद मिलती ही जा रही है। आगे खाना कहाँ बन रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जितनी आबादी प्रभावित है इस घटना से, इन सभी लोगों का खाना यहीं पर पकता है और मैं चाहूँगा कि एक बार मनीष आपको दिखाएं ये सारी चीज़ें। यहाँ रात का जो भोजन है वो पक रहा है, खिचड़ी पक रही है, बड़ी सी टोपिया है यहाँ पर और उसमें और खिचड़ी आज हमको खिलाइए। ये लोग जो हैं वो कह रहे थे कि हमें आज खिचड़ी सर्व कीजिए, इस वजह से इन्हें खिचड़ी मिली है। यहाँ एक व्यक्ति है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आप कौन है। सुना हम लोग खाना बनवा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब स्वीकृति आपको दी गई है खाना बनाने के लिए? आपका नाम? शंकर कुमार। शंकर जी, हाँ तो बताइए क्या कैसे है खाने का रूटीन? खाना का रूटीन है सुबह में दाल चावल सब्जी दिया जाता है, उससे पहले मॉर्निंग में नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में क्या होता है? चूड़ा, दूध, गुड़, उसके बाद मिक्सचर देते हैं, फिर शाम में खाना देते हैं। ठीक है, ये खाने की टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग आपका 7 बजे नाश्ता देते हैं और 11 से 12 के बीच में भोजन करा देते हैं और फिर 6 बजे के बाद 10 बजे भोजन कराते हैं। 6 बजे से 10 बजे शाम में? शाम में। अच्छा, शाम में। तो ये सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर अपना भोजन कर भोजन करते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ लोग अपना घर भी ले जाना चाहते हैं तो ले जाकर घर भी खाते हैं। स्थिति है वो हमने आपको दिखा दी है और जब यहाँ के लोगों के पास आप पहुँचेंगे तो मानवीय संवेदना आपकी गहरी होती जाएगी। उसका मुख्य कारण यह है कि ये लोग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना आसरा खोया है, जिन्होंने अपना आशियाना गवाया है। हालांकि इनकी सुरक्षा और इनको मिलने वाली सेवा से सरकार और प्रशासन दोनों अपनी तरफ से कोई चूक नहीं कर रही है, यहाँ दोनों सेवाएँ इन लोगों को लगातार मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे ठीक बाईं तरफ में मुख्य सड़क के बिल्कुल पास में एक एम्बुलेंस खड़ी है। यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है या तबीयत में अस्थिरता आती है तो ऐसी परिस्थिति में वो एम्बुलेंस जो है वो इन लोगों की सेवा के लिए लगाई गई है जो कि 24/7 यहीं पर रहती है। इसके अलावा सुरक्षा कक्ष के तौर पर 2-3 कमरे बनाए गए हैं जहां पर प्रशासन की टीम मौजूद होती है, 24/7 इन्हें इनकी सर्विस मिलती है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जब हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे तो उनके मन में डर और दहशत का माहौल है, उनके मन में
हमें वो रात की बातें हमेशा के लिए याद हो गई है, कैप्चर हो गई है, और वो उस घटना से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन निकल पाना इतना आसान नहीं है।